आरबीसी और फ्लैटलेट्स के बारे में पढ़ा था। अपन ने देखा था कि जो आरबीसी है वो एक रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन कंटेन करती है और हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसी है वो कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है। सेकंड अपन ने देखा था डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किन किन से, डिजीज से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, जर्म से। इसीलिए अपन ने डब्ल्यूबीसी को शोल्डर ऑफ आवर बॉडी भी कहा था। और डब्ल्यूबीसी को अपन और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी कौन है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड अपन ने देखा था प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को अपन ने क्या बोला था, थ्रोम्बोसाइट। और प्लेटलेट्स का जो मेन वर्क है वो क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग करना। आज अपन देखेंगे ब्लड के फंक्शन। तो देखिए अपना टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। अपन देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन हार्मोन्स एक्सेट्रा। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को। सेकंड फंक्शन देखिए ब्लड का, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट टू द लंग्स। जो ब्लड है वो किस किस को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को। थर्ड फंक्शन देखिए, इट फाइट्स ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। जो ब्लड है वो किसके अगेंस्ट फाइट करता है, डिजीज से और इन्फेक्शन से, और हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्लड। और कैसे करता है, डिजीज और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइटिंग करके, फाइट करके। नेक्स्ट देखिए, इट ट्रांसमिट हीट रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। जो ब्लड है वो हीट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, टू कंट्रोल पीएच ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी की पीएच को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ब्लड करता है। किसको कंट्रोल करता है, बॉडी की पीएच को। नेक्स्ट देखिए इसका फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सराउंडिंग एंड टिश्यूज। जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का क्या करता है, एक्सचेंज करता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर ऑक्सीजन रिच ब्लड को तो बॉडी के और पार्ट तक लेके जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस हार्ट तक पिला के और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से आउट करता है। तो इस तरह से ब्लड किस किस का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए अपन ने ब्लड के कितने फंक्शन देखे, सिक्स फंक्शन। फर्स्ट कौन सा था, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड हार्मोन। सेकंड कौन सा था, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। थर्ड कौन सा था, इट फाइट ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। फोर्थ, इट ट्रांसमिट हीट एंड रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। फिफ्थ, टू कंट्रोल पीएच ऑफ द बॉडी। एंड सिक्स, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। देखिए जो हमारा ब्लड है उसको एंटीजन के बेस पे फोर पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जो हमारा ब्लड है उसको किसके बेस पे, एंटीजन की प्रेजेंसी और एब्सेंस के बेस पे। अब ये एंटीजन कहाँ होते हैं, जो हमारी आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे टू एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट और एब्सेंस इन एंटीजन के बेस पे हमारे ब्लड ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर पार्ट में। कौन कौन से, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कितने टाइप का है, फोर टाइप का। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, फोर पार्ट में। कौन कौन से, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब जो ये एंटीजन होते हैं कहाँ पर, आरबीसी की सरफेस पे, कौन कौन से एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इनके अगेंस्ट हमारे प्लाज्मा के अंदर दो एंटीबॉडी भी होते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, टू एंटीबॉडी। कौन कौन से, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए। ठीक है, अब देखिए अपन जो एंटीजन है उनको तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो एंटीबॉडी है उसको
दे सकता है और किसको ले सकता है ये अपन स्टेप बाय स्टेप थ्रू देखेंगे। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए, जो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन होता है उसके अंदर कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप ए वाले के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ए, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है उसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा, ए। ए वाले के अंदर ए एंटीजन होगा और इसके अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। और जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए बी को। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है वो ब्लड ग्रुप ए वाले को भी ब्लड दे सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी वाले को भी ब्लड दे सकता है। और अब अपन देखेंगे रिसीव ब्लड, मतलब कि ये किस किस से ले सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है वो एक तो ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है ब्लड और ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। ठीक है, ये दे तो किस किस को सकता है, ए को और ए बी को, और ले किस किस से सकता है, ब्लड ग्रुप ए से और ब्लड ग्रुप ओ से। सेकंड देखिए ब्लड ग्रुप बी, जो ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन है उसके अंदर एंटीजन तो कौन सा होगा, बी। बी वाले ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, बी, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। ठीक है, और ये किस किस को ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है। और ये ले किस किस से सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला एक तो बी से ले सकता है और एक ओ से ले सकता है। नेक्स्ट देखिए ब्लड ग्रुप ए बी, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला पर्सन है उसके अंदर एंटीजन कौन कौन से होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन के अंदर एंटीजन ए बी होता है और एंटीजन बी भी होता है, लेकिन इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। किसके पास, ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास। ब्लड ग्रुप ए बी वाले के पास एंटीजन ए बी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अब ये दे किस किस को सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला है वो किस किस को दे सकता है, केवल ए बी को। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है वो ओनली ए बी वाले को ही दे सकता है और किसी को भी नहीं दे सकता। और अब ये ले किस किस दे सकता है, तो जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला पर्सन है वो ब्लड ग्रुप ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ये चारों ग्रुप के पर्सन से ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसको बोलते हैं, ए बी को। जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है। जो ए बी वाला